उफ ये गर्मी, उफ ये पसीना, और यार खुजली हो रही है। अरे यार जिम जाना है, कैसे करूं एक्सरसाइज। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज विक्की, यू आर वाचिंग विक्की ट्रू एक्सपीरियंस। सो गाइस, आई होप ऑल आर यू गुड एंड सब फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी काम की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गर्मियों में हेयर पैच को आप टेप मेथड में यूज़ करेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, काफ़ी इजी प्रोसेस हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही दिखाने वाला हूँ कि हेयर पैच को हम घर पे सेल्फ सर्विस कैसे करते हैं, कैसे इसमें टेप चेंजिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर स्किप हो गया तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप सेल्फ सर्विस में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठोगे और हेयर पैच को नुकसान हो जाएगा। काफ़ी महंगी चीज़ आती है तो मैं नहीं चाहता कि आपके हेयर पैच को नुकसान हो। तो पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखना, सारी चीज़ों को नोटिस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गर्मियों का मौसम आ गया है और इस गर्मियों के मौसम में हेयर पैच के अंदर ईचिंग होना, स्वेटिंग होना कॉमन बात है, आम बात है, सभी को होती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन रह जाता है कि हम गर्मियों के मौसम में हेयर पैच को टेप मेथड में यूज़ करना स्टार्ट कर दें। सिर्फ गर्मियों के मौसम के लिए बात बता रहा हूँ दोस्तों, बाकी अदर मौसम में आप हेयर पैच को टेप और ग्लू मेथड में यूज़ करें कोई दिक्कत नहीं है, बट गर्मियों के मौसम में क्योंकि स्वेटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है तो थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो इसलिए हेयर पैच को आप टेप मेथड में यूज़ कर सकते हैं। इसके तीन बेनिफिट होते हैं भाइयों। फर्स्ट कि आप हेयर पैच को कभी भी उतार दें, सोने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले और मॉर्निंग में सुबह जाते समय हेयर पैच को दोबारा लगा लें और चले जाएँ। और सेकंड बेनिफिट कि आप हेयर पैच को सेल्फ सर्विस कर सकते हैं, घर पे ही खुद से ही टेप चेंजिंग कर सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, जो कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और थर्ड बेनिफिट ये होता है कि हम हेयर पैच सेंटर में जाते हैं, वहाँ 500-600 पे करते हैं, उसका खर्चा होता है। अगर हम खुद से सर्विस करेंगे घर पर तो ये हमारा पैसा भी बच जाता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में आज मैं हेयर पैच, मेरा वाला हेयर पैच को उतारूँगा और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें दिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने ज़रूरतमंद भाइयों को शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस। दोस्तों अगर आप हेयर पैच को रिमूव करते हैं तो ये बात ध्यान रखना कि हेयर पैच को आपको पीछे से स्लोली स्लोली आगे की तरफ निकालना है, आगे से नहीं निकालना, पीछे से ही स्टार्ट करना है हेयर पैच को निकालने के लिए। तो देखिए आप, मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी आप देख लीजिए हेयर पैच किस हिसाब से सेट है मेरा, तो जब हम इसको टेप लगाने के बाद दोबारा सेट करेंगे तो तब भी ये इसी हिसाब से सेट हो जाएगा। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, स्लोली स्लोली यहाँ से हेयर पैच को निकालते हैं, आहिस्ता से पकड़ के। ये गाइस, तो ये अपना निकल गया हेयर पैच और ये है अपना ओरिजिनल लुक। सो गाइस, अपनी पूरी लाज इस हेयर पैच ने ही बचा रखी थी। देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है हेयर पैच लगे हुए क्या लुक आता है और हेयर पैच निकालने के बाद, मतलब पूरी पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फ़र्क हो जाता है गाइस। दोस्तों मेरे सिर की हालत भी देख सकते हो, मेरे स्कैल्प एकदम क्लियर है क्योंकि मैं डेली बेसिस पर निकाल दे रहा हूँ, उसको वॉश कर दे रहा हूँ। दोस्तों मैंने 2 दिन पहले ही हेयर पैच की टेप चेंज की थी और आज फिर चेंज कर रहा हूँ। देखो हेयर पैच की वजह से पूरी पर्सनैलिटी का लुक एकदम डिफरेंट हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। दोस्तों हेयर पैच में 3 टाइप की टेप यूज़ होती है। फर्स्ट है रेड टेप, सेकंड है येलो टेप एंड थर्ड इज़ नो शाइन टेप, जो कि वाइट कलर की होती है। तो रेड टेप का क्या काम होता है दोस्तों, कि रेड टेप आपकी बेस लेयर टेप होती है जो कि आपके हेयर पैच को सेफ रखने के लिए लगाई जाती है, बेसिकली एक सेफ्टी के लिए लगाई जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक येलो टेप लगाई जाती है। क्योंकि आपके हेयर पैच की बॉर्डर ख़राब ना हो इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए रेड टेप को इस्तेमाल किया जाता है, देन उसके ऊपर येलो टेप लगाई जाती है। दोस्तों नो शाइन टेप एक ट्रांसपेरेंट टेप होती है जो कि फ्रंटलेस पैच जो आते हैं या फिर फुल लेस पैच आते हैं उनमें यूज़ की जाती है। तो हम लोग सिर्फ रेड टेप और येलो टेप का ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैंने 4 टेप यूज़ की थी हेयर पैच में, 2 दिन पहले ही मैंने लगाई थी। सबसे पहले मैंने रेड टेप लगाई है, उसके बाद नो ये येलो टेप के 4 पीस लगाए। मैं डेली बेसिस पे इसको निकाल दे रहा था और एक्सरसाइज करने से पहले भी इसको निकाल दे रहा था। भाई साहब पूरी पर्सनैलिटी का लुक चेंज हो जाता है इससे। सो अभी हम इस लुक को थोड़ा स्टाइलिश बना लेते हैं अपने इस हैंकी से। सो ये हमने अपनी खोपड़ी को भी एक स्टाइल लुक दे दिया। गाइस हमेशा स्टाइल में रहने का, चाहे आप गंजे हो लेकिन फिर भी स्टाइल में रहना है, अपने आप को फिट रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे ड्रेसिंग रखना, अपना अच्छा आउटफिट रखना है और सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंट रहना है। गाइस सेल्फ सर्विस के लिए आपको ये आइटम चाहिए, येलो टेप, रेड टेप, C22 लिक्विड एंड ये सीजर। गाइस मैंने हेयर पैच टेप मेथड में यूज़ किया था तो मेरा हेयर पैच ईजिली निकल गया था, बट अगर आप टेप और ग्लू दोनों में यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आपको C22 की हेल्प लेनी पड़ेगी और इसको स्प्रे करके धीरे धीरे कॉटन से अपने पैच को उतार सकते हो, बड़ा ईजिली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे ये पुराने वाली टेप रिमूव करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो बेस है इसका हेयर पैच का जो बॉर्डर है वो ख़राब ना हो इसलिए एक उंगली यहाँ पे कॉर्नर पे रखना है, देन दूसरी उंगली से टेप को इजली निकालना है।
तो आप देखना इजीली निकल जाएगी, ये देखिए गाइस इजीली निकल जाएगी। आपको थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पे बॉर्डर पे भी अपनी उंगली को प्रेस करना है और दूसरी वाली उंगली से हल्का हल्का प्रेस करना है। अगर आप डायरेक्टली खींचोगे तो आपका हेयर पैच ख़राब हो सकता है गाइस, इसलिए आपको स्लोली निकालना पड़ेगा। ये दोनों फिंगर को बराबर प्रेशर दे के स्लोली खींचना पड़ेगा इसको। सो ये गाइज अपनी टेप पूरी निकल चुकी है। दोस्तों मेरा हेयर पैच की कंडीशन ठीक ठाक है, तो इसको अगर आपके इसमें ग्लू मेथड यूज़ किया हुआ है तो उसको आपको कॉटन से C22 को लगा के क्लियर करना होगा। दोस्तों ये जो एरो मार्क लगा हुआ है ये फ्रंट से लगाया जाएगा, ये माथे की तरफ से ये वाला साइड आएगा और बैक ये वाला होगा। तो ये मैंने एक मार्क लगवा रखा है ताकि मुझे इजीली डिटेक्ट हो जाए कि मुझे यहाँ से पैच लगाना है। गाइज हमारी टेप अभी पूरी निकल चुकी है, अभी हम इसको कंडीशनर करेंगे, ड्राई करेंगे एंड देन अगेन इसके ऊपर टेप लगा के फिर आपको फिक्स करके दिखाता हूँ। दोस्तों कॉटन की हेल्प से C22 लोशन लगा के अपने हेयर पैच के में जो भी ग्लू लगी हुई है ना टेप की, उसको इस तरीके से रिमूव कर लेना, देन उसके बाद ही हेयर पैच को वॉश करना। तो हमारे में तो ग्लू थी नहीं, बस टेप लगी हुई थी, तो ज़्यादा स्टिक्सनेस नहीं लगी हुई इसमें, तो हमने इजीली इसको वैसे ही साफ़ कर लिया। पहले ये ऑलरेडी क्लीन था, बस अभी हम इसको कंडीशनर करके वॉश करेंगे। सो गाइस ये ले लिया मग, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कंडीशनर। ये गाइस कंडीशनर पूरा डाइल्यूट हो गया वाटर में, अब हम पैच को इसके अंदर डालेंगे। ये हमारा पैच गया इसमें। सो गाइस 4 से 5 मिनट के लिए हेयर पैच को कंडीशनर के अंदर छोड़ देना। गाइस हेयर पैच को वॉश करते समय कॉम चलाना है, इजीली स्लोली कॉम चलाना है। गाइस छोटी लेंथ के हेयर पैच में ज़्यादा परेशानी नहीं आती, ना ही इनको वॉश करने में ना ही इनको ड्राई करने में, तो काफ़ी ईजी मेंटेन हो जाते हैं। गाइस टावल में हेयर पैच को सॉफ्ट टैप करना है। गाइस ड्रायर की हेल्प से हेयर पैच को पूरा ड्राई कर लेना है आपको, और साथ साथ कॉम भी करते रहना है ताकि इसके बाल आपस में उलझे ना। हाँ तो ऑलमोस्ट सूख गया गाइस, अभी हम इसको रखते हैं और मैं करता हूँ हेड वॉश ऑयल लगा के, फिर उसके बाद लगाएंगे टेप, देन पैच को अगेन फिक्स करेंगे। गाइस सबसे पहले हम रेड टेप लगाएंगे यहाँ इस बॉर्डर पे, ये हेयर पैच की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है ताकि इसका जो ये जो बॉर्डर है ये सेफ रहे। गाइस इसकी होल्डिंग सिर्फ 2 दिन की होती है और हमारी येलो टेप की होल्डिंग 7 से 14 दिन की होती है, तो हम इसको बॉर्डर को ड्राई कर लेते हैं पहले। गाइस ये रेड टेप है, ये एक्चुअली रेड दिख रही है बट हम इसका जो प्लास्टिक निकालेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट टेप है, देन इसके ऊपर हम येलो टेप लगाएंगे। पहले पूरी बॉर्डर पर हम इसके टुकड़े काट के लगा लेते हैं। गाइस इसके छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं आपको लाइक दिस, ये यहाँ से इसको कट किया और इसके कॉर्नर को अच्छे से कट कर लेना है आपको, ताकि ये आपकी बॉर्डर पे आराम से बैठ जाए, कोई भी पार्ट टेप का बाहर ना निकले पैच से। ये काफ़ी इजीली आप सेट कर सकते हो, आप 2-4 बार लगाओगे आपको इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। ये देखिए गाइस ये जो पीस है, ये जो टेप का पीस है, हम इस तरह से लगाएंगे। छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं ना पैच की बॉर्डर पे, इसको आपको इजीली निकाल देना, नहीं तो ये फटेंगे तो आपके पैच को नुकसान होगा, इसलिए पहले इन हेयर्स को हटा दें। ये गाइस जो टेप का टुकड़ा है इसके एजेस को आपको इजीली काट लेना है और इसको इस तरीके से लगाना है। ये आपका लग गया, अब जब आप इसका ये स्टिकर निकालेंगे तब ये एकदम ट्रांसपेरेंट सी हो जाएगी, इसको हम बाद में निकालेंगे। और जो जब हम नेक्स्ट टेप काटेंगे गाइस, तो इस उसका छोटा पार्ट हम इस टेप के ऊपर लगाएंगे, ताकि जब हम इसको रिमूव करेंगे ना, जब भी टेप चेंजिंग का टाइम आएगा तो ईजिली आपका निकल जाएगा, आपको टुकड़े टुकड़े निकालने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आपकी पूरी टेप एक ही बार में निकल जाएगी। इसलिए छोटा छोटा जो टेप का टुकड़ा है वो एक दूसरे टेप के ऊपर आना चाहिए। पहले जो हमने पार्ट लगाया था उसके पार्ट के ऊपर थोड़ा सा ऊपर से लगाना है। गाइस ध्यान रखना जो हेयर पैच के अंदर से जो हेयर्स निकल रहे हैं यहाँ से, इनको आप कट कर लेना, इनको खींचने की ज़रूरत नहीं है, खींचेंगे तो ये टूटेंगे और फिर दूसरे हेयर्स को भी निकाल देंगे, इसलिए इनको इजीली कट कर देना। ये गाइस हमने रेड टेप पूरी चारों तरफ लगा दी है, इसकी होल्डिंग 2 दिन की है, तो अगर आप सिंपली यही लगा के यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट डे आपको निकालना पड़ेगा या फिर 2 दिन बाद आपको फिर चेंज करनी पड़ेगी। अब इसके ऊपर हम 4 टुकड़े लगाएंगे येलो टेप के, एक एक इधर, एक एक आगे पीछे,
जो कि काफ़ी सफिशेंट है। डेली आप इसको निकाल सकते हो, पहन सकते हो, आपके आराम से 4-5 दिन चलेगा, उसके बाद फिर आप टेप चेंज कर लीजिए। अब इसके ऊपर गाइस हम लगाएंगे येलो टेप। सो गाइस ये हमने 4 टेप लगा दिए। ओके तो गाइस रेडी है नहा लिया मैं, अब ये 4 टेप लगी है, इसको फिक्स करते हैं। उससे पहले जो आपके साइड के हेयर हैं इनको स्ट्रेट कर लीजिए। ध्यान रखिए गाइस जो हेयर आपकी टेप पे चिपक जाते हैं उनको आप हाथ से अलग कर लें। अब ये हम स्टिकर निकालते हैं, ये अपने स्टिकर हो गए रिमूव। सो गाइस हेयर पैच को कैसे स्टार्टिंग करना है आपके सिर से, तो 4 फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखिए और जहाँ 4 फिंगर ख़त्म हो रही है यहाँ से पैच आपको स्टार्ट करना है। या तो आप पेन से मार्क कर लीजिए या फिर आप 3-4 बार यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसको अपने हाथों को खींचते हुए, पैच को पीछे की तरह खींचते हुए लगाएं, धीरे धीरे लगाना गाइस। इसको टाइटली प्रेस करिए और देखिए पैच अपना एकदम सही पोजीशन पे सेट है। देख रहे हो गाइस पैच लगाने से बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अभी हम इसको सेट कर लेते हैं रोलर कॉम से। दोस्तों आप 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करके सेल्फ टेप मेथड यूज़ करेंगे और पैच को फिक्स करेंगे तो आपको आदत सी हो जाएगी, आप एकदम एग्जैक्ट जगह पे पैच को लगाने लग जाएंगे। गाइज रोलर कॉम की हेल्प से कॉम को रोल करते हुए बालों को सेट कर लो। तो गाइज हेयर पैच को हमने सेट कर लिया, देखा आपने कितना इजी मेथड है ये। अब देखिए साइड से देखिए और इस साइड से देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे पैच हमारा लगा हुआ है। अब इसके ऊपर हम 2-3 बूंदे नॉन स्टिकी हेयर ऑयल और 2 ड्रॉप हेयर सीरम की, एंजो हेयर सीरम की लगाएंगे ताकि हेयर पैच में थोड़ी शाइनिंग बनी रहे। सो गाइज हेयर पैच को हमने सेट कर लिया। अब आपने देखा कि हमने घर पर सेल्फ सर्विस करके कैसे हेयर पैच में टेप को चेंज किया है, बहुत ही ईजी वे में टेप चेंज हो जाती है, कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ये टेप मेरी 4-5 दिन तक होल्ड करेगी, बट अगर मैं इसको पूरे सराउंड एरिया में येलो टेप लगाता तो मेरी ये होल्डिंग करीब 10 दिन तक हो जाती, बट कोई नहीं क्योंकि हेयर पैच को डेली रिमूव करना है तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। सो इसलिए मैंने 4 टेप यूज़ की है। सो गाइस आई होप कि वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कैसे हमने ईजी वे में टेप को चेंज किया है। फिर भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके आंसर देने का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ वीडियो अपने ज़रूरतमंद भाइयों को शेयर भी कर देना। सो गाइज वीडियो को यहीं करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक स्टे फिट स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।